ये एक्चुअली मुझे नहीं पता था। माइग्राम मुझे पता है, मैं अच्छा मैं अम्मा है, पर ये नहीं पता था कि मनीष मल्होत्रा उन्होंने टाई अप किया है जो माइग्राम के साथ। ओके, ये मुझे भी नहीं, मनीष मल्होत्रा कहाँ से आ गए? मनीष मल्होत्रा ने माइग्राम के साथ टाई अप किया बिकॉज माइग्राम के प्रोडक्ट जो है वो जो टोटली 100% क्वालिटी मूवी और वेगन प्रोडक्ट। तो हेलो दोस्तों, ये है 31st जो है दिसंबर का ये क्लिप आप देख रहे हो। मॉल गई थी और मॉल में शॉपिंग करने गई थी डब्लू जी के लिए और थोड़ा सा खुद के लिए, थोड़ा सा अंशु के लिए, थोड़ा सा गुड्डू के लिए। तो वही जो है वो शॉपिंग कर रही हूँ और वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं शोरूम में देखी थी, सॉरी जो मॉल था उसमें फ़र्स्ट टाइम जो है ये वाला कॉस्मेटिक ब्रांड मैं देखी थी। तो थोड़ा सा मैं चली गई थी अंदर में देखने के लिए कि ये कैसा कॉस्मेटिक है और क्या है, और एक परचेज़ भी करके लेकर के आई मैं। तो आप लोगों के साथ आगे मैं वीडियो में ज़रूर बताने वाली हूँ कि वो ब्रांड कौन सा है और क्या है। तो वहीं पे जो है वो मॉल में जो है मैं और गोल्डी दोनों जो है थोड़ा सा घूम रहे थे और देख रहे थे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो जो भी है वो आप लोग आगे देखने वाले हो। सुबह से हाँ बहुत है आ गए ना। ओके, तो सुबह से जो है आपकी प्यारी छवि, आपकी प्यारी, प्लीज चार्ज में लगा देना, वो 0% है वो। आपकी प्यारी छवि सुबह से इनके लिए, इनके पापा के लिए और इनके चाचू के लिए और इनके छोटे भाई के लिए शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी मैं और गोल्डी बेचारी। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक हो चुकी हूँ और श्वेता के घर जा रही हूँ। ये जो मैं ड्रेस पहनी हुई इसको आपको पूरा लुक दिखने वाला है, किसी एक ना एक फोटो डालूंगी जिसमें आपको ये पूरा ड्रेस कैसा दिख रहा है वो आपको दिखने वाला है। तो अभी मैं, हाँ गोल्डी के पसंद का है, तो मैं, गुड्डू, पीछे अंशु और गोल्डी, चलिए मिलते हैं श्वेता के घर में। तब तक बाय बाय। पूरा कमेंट बॉक्स मेरा भरा रहेगा इस पर आपके प्रिय वाला। गोल्डी, अंशु, अभी इधर मुड़के अंशु, इधर मुर्गे डांस करो जैसे कर रहे थे। मेरा एक ही स्टेप है। ओके चलो, यही स्टेप अच्छा है, अभी का भी अच्छा है, सबका अच्छा है। आप गोल्डी का वीडियो एकदम शाइन कर रहे हैं।
भाजी का। गर्द इससे अच्छा डांस तो कोई हो ही नहीं सकता है। किसका मोबाइल है? रिलैक्स करो, कल जो करना है करो, आज एंजॉय करने आए हो एंजॉय करो, सब कुछ टेंशन नहीं है। अभी है बेटा, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डब्लू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। चलिए अब ये हो गया, अब हम यहाँ से वीडियो कट निकाल लेते हैं फटाक से। अच्छा ये खा रहा है अभी, इधर देखिए आप, इधर देखिए, इधर इधर इधर, अच्छा वो आगे आगे देखिए अंकल, हंसिए अभी लगाइए ना, उसे अभी लगाइए ना, दोनों साथ में, हाँ साथ में साथ में, बात क्या है चलो एक तुम खिला दी, चलो कहाँ लाई भैया थोड़ा सा भी खिलाएंगे। अरे इधर देखती भी जाओ ना, हैप्पी बर्थडे डब्लू जी, हाँ केक फेस मास्क बना दिया। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, और नया साल आप सबके जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए, बहुत सारे जो भी आप लोगों के प्लान जो थे वो पिछले लास्ट ईयर नहीं कंप्लीट हुए, उस सारे जो प्लानिंग प्लॉटिंग सब आपके इस साल कंप्लीट हो जाए, आप लोगों के सारे अधूरे ख्वाब पूरे हो जाए। और बस नए साल की शुरुआत हो चुकी है, 1 जनवरी है और आज है डब्लू जी का बर्थडे, यानी कि मेरे देवर का बर्थडे है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट कीजिए, हैप्पी बर्थडे डब्लू जी, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो अभी जस्ट अभी श्वेता के यहाँ से निकली हूँ, सुबह के बज रहे हैं 10:15 या 10:30 हो रहा है, गजब ही हो गया। हम लोग घर से निकल गए बात करते करते श्वेता के साथ, गप्पा मारते मारते, और जब नीचे आकर के पार्किंग में जब खड़े हुए तब याद आया कि भैया बैग जो है वो तो लाना ही भूल गई मैं। बहुत 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 ज्यादा मजा आया डब्लू जी के यहाँ, इतना मजा आया कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत इंजॉय किए। और डब्लू जी के बर्थडे का जो आप केक वगैरह देखे हो ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वो केक देख करके आपको क्या याद आ रहा है। और डब्लू जी के पोज जो थे, वो जो सैम्पलिंग का जो वो पूरा बलून वगैरह था ना डेकोरेशन में, कुछ नहीं दिखे, वो जो फोटो लोग क्लिक कर रहा था ना तो कह रहे थे बेटा मेरा फोटो कट जाए तो कट जाए, ये बलून का फोटो नहीं कटना चाहिए। और सच सही बात कहूं तो कल डब्लू जी बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, यंग और यंग लग रहे थे एक्चुअली, येलो कलर या हाँ
ये बात है डब्ल्यू जी और हमेशा फैमिली के वो रणबीर सिंह हाँ वो है गोल्डियन से बहुत मस्त नाम रखे हुए हमारे फैमिली के वो रणबीर सिंह है जो गोल्डी तो जो पहन लो जो फैशन में है वो पहन लेते हैं मतलब मस्त है अपना चाचू तो मेरे है ना हाँ चाचू तो गोल्डी के है ना भैया हाँ तो भैया चाचू तो तुम्हारे ही रहेंगे मेरे तो देवर है हम श्वेता को बोले हैं कि श्वेता नजर उतार देना क्योंकि अपनों की नजर ज्यादा लग जाती है मन में मैं किसी के बारे में सोचती हूँ ना जैसे मन में सोची आज गुड्डू बहुत सुंदर लग रहा है अंशु बहुत सुंदर लग रहा है बस गुड्डू को गुड्डू बीमार अंशु बीमार तो अपनों की नजर ज्यादा लग जाती है ये हाँ है मेरे प्यारे दुलारे पति देव मास्क को नाक के जगह यहाँ पे रखे हुए मैं तो मास्क अभी यहाँ रखी हुई क्योंकि आप लोगों से बात करना था तो मास्क नहीं पहनी हूँ अब मेन रोड पे पहुंचने के पहले मैं मास्क पहन लूंगी ओके तो ये बहुत 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 ज्यादा इंजॉय किए और अभी निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ उसके बाद रेडी होना है उसके बाद मंदिर जाना है ठीक है तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद हैप्पी न्यू ईयर की चिल्ड्रन फोटो क्लिक हो रहा है हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को और फिर से हैप्पी न्यू ईयर घर पे आ चुकी हूँ और गोल्डी थैंक यू मम्मी जी मिठाई दी है तो गोल्डी दबा रही है खा रही है देखो गोल्डी नहीं खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ अभी जा रही हूँ एक कप चाय बनाने के लिए पीने के लिए उसके बाद नहाऊंगी फिर सीधा मंदिर भागूंगी मंदिर से आऊंगी उसके बाद दांतों में झंझनाहट ये भी सेंसोडाइन दांतों में झंझनाहट सेंसोडाइन खाए नहीं दांतों में लगाएं ब्रश करें और आपकी दांतों की झंझनाहट खत्म हो जाएगी ओहो थैंक यू श्वेता केक के लिए बहुत इंजॉय किए बहुत इंजॉय किए बहुत इंजॉय किए अभी फाइनली आ गई हूँ अपने रूप में और रंग में मैं कैसी लग रही हूँ जस्ट रूप रंग में तो सुबह से थी रात से थी अरे रूप रंग में मतलब बाबा अपने किचन में बाबा मैं कैसी लग रही हूँ परफेक्ट हाँ नए साल में क्या पहनने वाली हूँ तो ये शुरू से लास्ट मुझे लगता है एक महीने पहले से मैं बोली थी ना बहुत सारा आछू से शॉपिंग की तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ ये जो है आछू से शॉपिंग की हूँ मैं ये देखे आछू से दो ड्रेस मंगाई थी मैं सेम पहले मैं अपने लिए मंगाई गोल्डी दीदी मैं मंगवाई अच्छा नहीं ये वाला तो मेरा पसंद था ना मैं येलो वाला पसंद करी देखो यार मेरा ना येलो पसंद था बट गोल्डी को ये मंगाना था देखो आखिर मुझसे निकला कि मैं ही मंगवाई हाँ बट मुझे येलो मंगाना था दोस्तों मुझे येलो कलर बहुत पसंद है आप लोगों को पता है ना ये है मैं हूँ चिकनी नी 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 क्यों पीते हो सैया जी इतनी नी नी ये देखिए ये वाला तो ये ड्रेस जो है ला 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 दुपट्टा दिखला दो पहनने के बाद कैसा लगता है मेरे ऊपर वो मैं आपको दिखलाऊंगी पहनकर और जैसे इसको क्रश करके फोन खोली है ना वैसे ही इसको ठीक से रखो ये देखिए गजब प्राइस की जहां तक बात करते हो तो इस पे 50% ऑफ था 50 उस समय इसे मैं उठा ली थी सेम खुद के लिए सेम बेटी के लिए अभी भी मैं आपको विश्वास होगा क्या मैं अभी भी येलो कलर का कार्ट में डाली हुई हूँ बट ये दुष्ट लड़की मुझे उसे खरीदने नहीं दे और पता प्रॉब्लम ये है कि मैं जहाँ खरीदूंगी ना खुश रहो आबाद रहो खुश रहो आबाद रहो बेटा एक कप चाय पिलाओ बेटा कमर का धजिया हो रहा है चाय बनाओ खुद तो ऐसे बैठी भी थी एक ठुमका भी नहीं लगाई हाँ तो मैं ठुमका क्यों लगाऊं मैं देवरानी और जेठानी आपस में इतना गप्पा मार रहे थे इन लोगों के ठुमकों के ऊपर बड़ा मजा आया कल इतना मजा आया ना कि बता नहीं सकते बोलते हैं ना कि कोई भी इंजॉय हाँ पाए लागी
टाइम लगेगी। हाँ जा चाय बना रहे गुड्डू? बना रही है पति देव, तो मैं जा रही हूँ गुड्डू, अब जल्दी जल्दी नहा के निकलेंगे। ओके गुड्डू, हाँ ठीक है, बस अब चाय बनाए और नहाए और निकले, मेरा कपड़ा जाके फोल्ड करके रखो। चलिए मिलते हैं थोड़े देर के बाद, बाबा। मासू मत देखना वीडियो, मुझे हक्का दिए। बाप रे बाप, इसको अपनी मासू पर इतना गुरूर है। एक बार पल एक फोटो एक वीडियो था, ब्लॉग था, जिसमें मैं गोल्डी को ऐसे कर रही हूँ, ऐसे नहीं की थी, ऐसे की थी और मुंह भी ऐठी थी, मतलब टाइम पास में। बाप रे इसकी तो, हाँ मासी है पल्लू मासी, पल्लवी जिससे आप लोग मिल चुके हैं, वो देख ही नहीं वीडियो। तुम मेरी गोलू को ऐसे की छवि दी, बताओ यार इतना प्यार, मेरा अच्छे से फोल्ड करके रखो यार गोलू। तो ये देखिए गुड्डू अभी लेके आए हैं सब नगेट्स वगैरह बैंकी से, अभी उसको मैं डीप फ्राई की हूँ, और अभी जो है मैं क्या फ्राई कर रही हूँ, तो अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, आपको ये देखिए मैं साइड से ही फ्राई कर रही हूँ, क्या क्योंकि ये बहुत उड़ता है, मुझे बहुत डर लगता है। अभी मैं फ्राई कर रही हूँ आपको ये वेजी नगेट्स, उसको फ्राई कर रही हूँ। तो अभी रात के बज रहे हैं 8 o'clock और ये गोल्डी रेडी है, मुझे अभी रेडी होना बाकी है, बात करो तब तक मम्मा आ गई। हाँ मेरा दुपट्टा यहाँ पे, आज हम लोग का पार्टी नाइट है, हम लोग आज फिर डांस करेंगे, भले हमारे कमर के नस चढ़ गए हैं फिर भी हम डांस करेंगे। और मेरा लुक कैसा आपको लग रहा है? मेरे ऊपर डार्क लिपस्टिक अच्छा लगता है या न्यूड लिपस्टिक या लाइट लिपस्टिक? न्यूड लाइट एक ही हो गया, कौन सा अच्छा लगता है वो आप कमेंट करके बताइएगा। और बस हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में उस पारी के साथ, या फिर इसी ब्लॉग में पार्टी वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। और मेरा मुंह जल गया एकदम, मुझे कल लगा कि पनीर पकौड़ा है वो, क्योंकि पहले से ना बहुत सारे रखे हुए थे, चाची फ्राई करके रखी हुई थी, तो मुझे लगा कि वो भी पहले से रखा हुआ था, पहले से तला हुआ था, और मैं एक बार में पूरा इतना छोटा सा था क्यों वो मैं पूरा मुंह में डाल ली, और ओ माय गॉड वो पनीर मेरे पूरे माउथ में चिपक गया, मुझे फील नहीं, उससे मैं रियलाइज नहीं हुआ। बट उसके बाद मुझे खाने जैसे अभी मुझे खराब ही रही हूँ कि मेरा जीप बहुत दर्द हो रहा है, मैं बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं खाने में तो भूल ही जाऊँ, खा भी नहीं पा रही हूँ मैं, पूरा टंग मेरा वो हो गया है। सो कृपया पहले देखें, एक बाइट लें फिर खाएं। अभी जो मम्मा तली चीजी बॉल्स ये सब, उसको मैं पहले छोटा छोटा बाइट लेके खाऊंगी, भाई जले ना, और वो भी चीज है। तो पिछले साल न्यू ईयर में मैं आछो पहनी थी, तो मैं पूरे साल आछो ही पहनी हूँ, तो इस बार भी मैं आछो पहनी हूँ तो मैं पूरे साल आछो पहनूंगी। सो आछो इज अमेजिंग, मैं तो उसकी डाई हार्ट फैन हूँ। इस बार पापा बोल रहे होली में की जहाँ पे पापा को ऑफिस है उसके उधर बहुत अच्छे अच्छे शोरूम्स है, बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स है, शोरूम्स नहीं स्टोर्स है, तो पापा का मन कि हम वहां से पापा हम लोग को खरीदवा देंगे, तो देखते हैं। बट मेरा मन मैं और मम्मा आज मैं चूज करके रखे थे कि वो पहनेंगे, बट कोई नहीं बाद में हम लोग खरीद लेंगे, बट बाद में पहनेंगे उसको, कब खरीदेंगे वो भी पता नहीं, बट है कि खरीदेंगे। लेकिन होली में पापा की पसंद का मेरे साइज का अगर मिल गया तो मैं वो पहन लूंगी, अदरवाइज मैं आछू में ऑर्डर करूंगी, ये है। तो मिलते हैं पारी टाइम पे। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये देखिए ये है मेरा आज का लुक, यहाँ रख दिए। अभी रुको अभी, तो बहुत सारे नगेट्स वगैरह वो डीप फ्राई की थी, और वेज में मैं मीन्स नगेट्स फ्राई की थी, और नॉनवेज गुड्डू लेकर के आए थे खुद के लिए और अंशु के लिए, कॉर्न रोल और पता नहीं क्या था, तो दो तीन आइटम लेकर के आए थे। तो अंशु पापा बेटा अपना उधर दबा रहे, माँ बेटी अपना इधर बैठ दबा रही, और ये है गोल्डी दीदी पोज देते हुए।
चांदी जैसा रंग है मेरा, सोने जैसे बाल, खबर मेरी सारी दुनिया को तो ही ना पूछे हाल। तुझ बिन तनहा पड़ गई मैं, हाय प्यासी ही मर गई मैं। थोड़ी सी ठंडक मेरे भी कलेजे को दिला दे, जालिमा को कोला पिला दे, जालिमा को कोला पिला दे। आग तूने जो लगाई बुझा दे, जालिमा। तेरी ही खातिर बैठी हूँ मैं तैयार जी, काहे को ऐसे रूठी दिल को बेकार जी। तेरी ही खातिर बैठी हूँ मैं तैयार जी। मांगू ना गहना तुझसे हीरा मोती वाला, काहे कहूँ कि कोई जोड़ा सिला दे, जालिमा जालिमा को कोला पिला दे, जालिमा को कोला पिला दे। आग तूने जो लगाई बुझा दे, जालिमा।